दोस्तों लालच बुरी बला है, हम सभी लोग जानते हैं। और इसी लालच के कारण आज इस वीडियो के बाद कमेंट में मुझे भर भर के गाली पड़ने वाली है, मुझे पता है। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ एसटीए टोकन के बारे में। और इसलिए मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मुझसे मिले हैं जो मुझे फोर्स करने लगे कि एसटीए टोकन जो है आप ले लो। मैं उनसे जब बात किया, मैं उन्हें कितना भी समझाया, वो समझने को रेडी नहीं हुए। और मैंने बोला कि इस वीडियो में गाली क्यों पड़ने वाली है, क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, और बाद में तर्क के बेसिस पे, तर्क करने के बाद, लॉजिकली सोचने के बाद पता चलता है कि आप जो कर रहे थे वो गलत काम था, तो ऐसे में जो बताएगा उसके विरोध में आप हो सकता है गाली दे दे। गाली इसलिए क्योंकि फेस टू फेस मैं आपको तो देख नहीं रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं गाली पड़ने की बात, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने एक MLM कंपनी के बारे में जो सच्चाई, लॉजिकली सारे तथ्य, सारे प्रूफ रखा आपके सामने, और वो प्रूफ मैं अपने मन से नहीं रखा था, जो कंपनी खुद कहती थी वो, इसके अलावे जो अपने देश का रेगुलेशन, रूल्स, रेगुलेटरी बॉडी कहती है वो, और इसके बाद जो है जो सच्चाई अपने आसपास वो सर्कुलेट हो रहा है उसके बेस पे मैंने जो वीडियो बनाया, उसमें जो लोग जुड़े थे वो लोग भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिए। तो मुझे पता है कि आज के डेट में एसटीए टोकन के बारे में मैं चर्चा करूंगा, सच्चाई रखूंगा, वो चीज रखूंगा जो आप रिलेट कर पाते हैं, अगर आप ओपन माइंडेड हैं, लॉजिकली सोचने को तैयार हैं, भले ही आप इससे जुड़े हो या ना जुड़े हो, अगर जुड़े हैं, अगर आपको लगता है कि आप इसके अगेंस्ट में नहीं सुन सकते हैं, तो वीडियो को लीव कर दीजिए। आपके लिए बहुत सारे इससे पॉजिटिव वीडियो बने भरे पड़े हैं, प्लान के बारे में, कितना इनकम कमा सकते हैं इसके बारे में, वो सब वीडियो देखिए। लेकिन अगर आप ओपन हैं, आप ये तैयार हैं कि आप सच्चाई सुन सके, सच्चाई क्या है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। चलिए, यहां से मैं बात कर रहा हूं एसटीए टोकन की, क्या है ये। तो दो चीज पहले आप समझ लीजिए, जब भी आपके सामने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया जाता हो और वो लोग बता रहे हो जो नॉन टेक्निकल हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं है, तो समझ लीजिए उन्हें सिर्फ उतना ही पता है जितना उनको जरूरत है। और यहां पे बात चल रही है, कभी वो कहेंगे टोकन, कभी कहेंगे क्रिप्टो करेंसी, दोनों दो चीज होता है दोस्तों, यह समझ लीजिए। क्रिप्टो टोकन और क्रिप्टो करेंसी, ये दोनों दो चीज हो जाता है, या क्वाइन कह सकते हैं, अलग हो जाए। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं, एसटीए टोकन का कंपेयर बिटकॉइन से, इथेरियम से किया जाता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। एसटीए टोकन, टोकन की बात मैं करता हूं, जो क्रिप्टो टोकन होता है किसी न किसी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पे होता है। यहीं पे इथेरियम जो है वो अपने आप में एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन है अपने आप में एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पे मल्टीपल क्वाइन हो सकते हैं। ऐसे ही बाइनेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पे एसटीए टोकन को लाया गया, ना कि एसटीए टोकन अपने आप में बाइनेंस नहीं हो गया। सिंपल सी समझ गए। तो अगर आपको कोई कहे कि जो टोकन हो गया, जो क्वाइन हो गया, दोनों एक ही चीज है, तो दोनों एक चीज नहीं हो सकता, ये चीज पहले आप क्लियर कर लीजिए। अब चूंकि एसटीए टोकन जो सर्कुलेट हो रहा है, यहां पे लोग इसमें इसलिए जुड़ रहे हैं कि यहां पे बताया जाता है डिविडेंट मिलता है, पहला। यहां पे बताया जाता है कि अगर आपका पैसा आज लगा देते हैं इसमें, मिनिमम अमाउंट आप लगा देते हैं $30 का भी, तो आपको जो है फिक्स मंथली आपको जो है डिविडेंड के रूप में तो आना शुरू ही होगा। और इस साथ ही साथ अगर फ्यूचर में इस क्रिप्टो का, इस टोकन का अगर प्राइस बढ़ता है तो आपको अलग से प्रॉफिट है। सपोज कि आप जो है अपने पैसे को कहीं पे भी लगा लेते हैं, ठीक, उससे आप ब्याज कमा रहे हैं, और आपको ये पता चल जाए कि अपने आप उस पैसे का वैल्यू भी बढ़ रहा है, कितना कमाल हो जाएगा, तो लोग इसमें आना शुरू कर देते हैं। और चूंकि इनकी प्लान जो होते हैं इतने अच्छे तरह से बनाया गया है कि लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। झांसे में क्यों आते हैं, पहली बात वो सोचते हैं, जो लोग इसमें जुड़ते हैं उन्हें समझाया जाता है कि आपका पैसा तो रखा ही हुआ है ना, पैसा का वैल्यू एक समय था कि ₹2 ₹3 था इस टोकन का वैल्यू, और आज के डेट में ₹60 से ऊपर हो गया, ₹70 ₹75, मतलब $1 से ऊपर हो गया है, तो देखिए पैसे का तो वैल्यू बढ़ा। तो यहां पे मैं कहूंगा ये बात एकदम सच है कि चूंकि ये ट्रेड हो रहा है, तो ऐसे में ट्रेड हो रहा है तो पहले इसका वैल्यू कुछ था, आज कुछ और हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, जो कि लोग समझाते भी है और सही है। अब बात करते हैं, यहां पे डिविडेंड की बात कहा जाता है, और डिविडेंड जो शब्द लाया गया ना, ये जनरली जो लोग शेयर मार्केट से
किसी कंपनी का शेयर लिए हुए हैं और डिविडेंड जो है हर साल लेते जा रहे हैं, तो इस चीज से कॉपी करके लोगों को समझाया जाना शुरू हो गया। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब ओरिजिनल में जो डिविडेंड होता है शेयर मार्केट में, जो आप सुनते होइएगा किसी कंपनी का शेयर रखने की बात, तो इससे और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि दोनों को दोनों समझाया जाता है इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद समझाया जाता है उससे डिविडेंड भी लेना है, कमाई भी करना है, तो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे किसी न किसी एक्सचेंज पे, जैसे BSE हो गया, इस पे हो गया, NSE हो गया, तो ये सब एक्सचेंज पे किसी कंपनी का, जैसे अपने देश में है, किसी कंपनी का शेयर जो है वहां पे ट्रेड होता रहता है। लोग खरीदने भी आते हैं और लोग बेचने भी आते हैं और एक दूसरे से खरीदते हैं। ऐसे ही ये टोकन का भी किसी न किसी एक्सचेंज पे ट्रेड होना होता है, तो ये लोग वहां पे बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं। जो लोग प्लान में बताते हैं यहां तक तो सही बताते हैं। इसके बाद बात करते हैं ये कंपनी, जैसे कि शेयर मार्केट में कोई कंपनी है, मान लीजिए इंडियन ऑयल है या मतलब दूसरे कंपनियां, कोई सरकारी कंपनियां जो अच्छा खासा डिविडेंड देती है हर साल साल, तो अगर वो कंपनी वहां से डिविडेंड देती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो कंपनी रियल में एग्जिस्ट कर रही है फिजिकल रूप में। और इसके बाद डिविडेंड कब देती है ये समझ लीजिए, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, जो कंपनी काम कर रही है, जो अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में जब ग्रोथ होता है तो वो अपने शेयर होल्डर के बीच जो अपना इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो पर शेयर डिविडेंड मिलता है, जितने लोगों के पास जितना शेयर रहता है उस अनुसार से उनको डिविडेंड मिलता है। और जब बात करते हैं STA टोकन की, तो यहां पे जब डिविडेंड कहा जाता है तो यहां पे सीधी सी बात कहा जाता है कि आप यहां पे इतना रुपया लगा दीजिए और इसके बाद पार्टिकुलर 6% हो गया, 7% हो गया, 9% हो गया, कुछ अमाउंट कहा जाता है, इतना परसेंट से हर बार आपको महीने महीने साले साल मतलब आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब आप सोचते अरे यार यहाँ पे ये डिविडेंड किस बेस पे दे रहे हैं, जबकि शेयर मार्केट वाला जो जेन्युइन कंपनी है, जो इंडिया में अपने एग्जिस्ट कर, हर कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है, तो जो कंपनी, जैसे इंडिया के एग्जांपल लेते हैं, तो अपने देश में कोई कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, वो फिजिकल रूप से काम कर रही है, उस काम करने के बाद पब्लिक के बीच में जब वो चीज जो सेल किए प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल किए और इसके बाद उससे जब कमाए और कमाई में जब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट के बेस पर लोगों में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए। लेकिन ये STA टोकन में ऐसा कौन सा काम हो रहा है जो आपको डिविडेंड देगा? ध्यान दीजिएगा, जब भी पैसा दिया जाता है तो पैसे का सोर्स तो होना चाहिए ना। तो जैसे शेयर मार्केट में कंपनी का सोर्स है इनकम, वो कमा रही है, वो प्रोडक्ट को सेल करके या सर्विस को सेल करके कमा रही है। और यहां पे STA टोकन क्या सेल करके कमा रही है? बात खत्म, यहीं पर हो गया लफड़ा डिविडेंड की बात। अब मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं यहां पर, जब डिविडेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर रेगुलेशन की भी बात कर ले। रेगुलेशन मतलब कल के डेट में आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप कहाँ जाएंगे? सपोज बैंक में पैसा रखा हुआ है, बैंक से गलती के कारण आपका पैसा का कोई ना कोई इधर से उधर लोचा हो गया, आपका पैसा ऑटोमेटिकली आपके साथ फ्रॉड हो गया, आप कहाँ जाएंगे? आप रेगुलेटरी बॉडी RBI के पास जाएंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे? इसी तरह से शेयर मार्केट में किसी कंपनी का आप शेयर लिए हुए हैं, वो कितना पे ट्रेड हो रहा है अलग मुद्दा है, ये डिमांड एंड सप्लाई की बात है। लेकिन सपोज कि आपके पास था और वो कंपनी कुछ झोल कर दिया या आपके डीमैट अकाउंट से वो शेयर ऑटोमेटिकली गायब हो गया, तो आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे SEBI के पास, क्योंकि इसका रेगुलेटरी बॉडी SEBI है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का अपने देश में कोई रेगुलेशन, कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है, मतलब ये खुला सांड है, इसको जो करना है जिसको जो करना, आपको आज मर्जी है, कोई क्रिप्टो लॉन्च कर दीजिए, कुछ भी प्लान बना लीजिए। गवर्नमेंट खुद कहती है कि अगर किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो भाई साहब आप मेरे पास मत आइएगा, क्योंकि मैं पहले ही कह दिया हूं, इसको इलीगल भी नहीं कहा हूं और इसको कोई रेगुलेटरी बॉडी के अंदर भी अभी नहीं रखा हूं। तो ऐसे कंडीशन में सपोज आप हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं STA टोकन में, कल के डेट में कोई फ्रॉड होती है, कौन होगा जिम्मेदार? किसको पकड़ेंगे आप? आप उसी लोगों को पकड़ेंगे जो आपके गांव में, मोहल्ला में, जो लोग आपसे कह कह के, समझा के प्लान आपको इसमें जोड़े हैं, उसी को पकड़ेंगे। चलिए अब अगर इसी STA टोकन को आप कंपेयर कर देते किसी MLM कंपनी के बारे में, सपोज कि कोई कंपनी था जो बहुत पहले फ्रॉड हो गया, फरार हो गया, उस कंपनी के बारे में, क्योंकि मैं इसलिए इससे कंपेयर कर रहा हूं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, शेयर मार्केट वाले को अवसाइड करते हैं। अब बात आते हैं जो MLM कंपनियां आपके आसपास सर्कुलेट हो रही है, जो आपको कुछ प्रोडक्ट बेच रही है और कहती है नीचे एक दूसरे से जोड़ते रहिए, है ना, बहुत सारे हैं। इवीज का एग्जाम्पल बहुत पहले आप कहीं इंटरनेट पर सर्च करिएगा, आपके लोग जानते भी होंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये लोग कैसे पैसे देते हैं? क्योंकि यहाँ पे STA टोकन में अगर आप जुड़े हैं या आपके आसपास कोई जुड़ा है तो वो तो प्रूफ दिखाएगा ना
कि उसको तो पैसा सच में आ रहा है। और भाई आप क्या बोल रहे हैं, गलत क्यों बोल रहे हैं, आप तो मुझे गाली भी देंगे ना कि जब मैं देखा हूँ किसी को पैसा आ रहा है तो फिर कैसे कह सकते हैं कि फ्रॉड हो सकता है, इतने सालों से तो पैसा आ रहा है। तो भाई मेरे जितने भी इससे पहले MLM का कांड हुआ है ना अपने देश में, सर्च कर लीजिएगा, और छोड़िए उसको, सहारा के ही कांड सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे, इसी YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसके ट्रैप में सब लोग आते गए, क्या कांड हो गया। नहीं विश्वास है तो अंकित अवस्थी का जो है सारा इंडिया के बारे में है, पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि जितने भी MLM वाले आए हैं ना वो सब शुरू में पैसा सर्कुलेट करके लोगों को दिए हैं। अब बताइए वो कंपनियां कहां से पैसा ला के दे रही थी, सोचने वाली बात है। क्योंकि जैसे मैंने आपको डिविडेंड के बारे में, शेयर मार्केट वाले कंपनी के बारे में बताया ना कि वो अपना रियल में इनकम जनरेट किया है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन MLM कंपनियां जो रेगुलर इनकम दे रही थी लोगों को, जो लोग इसमें जुड़े हुए थे, मेहनत दिन रात कर रहे थे, वो किस आधार पर दे रहे थे? लोगों से पैसा ले रहे थे, उस पैसे को कुछ दिन होल्ड कर रहे थे और इसके बाद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और चूंकि शुरू शुरू में जो लोग जुड़े उनको तो लगा मुझे पैसा मिला, अब वो खुद प्रमोट करना शुरू किए, वो जो होता है माउथ एडवर्टाइजमेंट वाली बात होती है, तो खुद प्रमोट करना शुरू, अरे देखो मेरा पैसा तो बना है ना, अब लालच आता है यहां से कि मैं अकेले जुड़ा हूं, इतना कमाया हूं, अगर रेफर कर दूं तो सिंपल सी बात, अगर इतने लोग को जोड़ दूं तो क्यों ना जोड़ूं। क्योंकि कंपनी कर रही थी कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है, कम्युनिटी बिल्डिंग करने के लिए खर्च कर रही है, तो इसलिए से वो तो अपना कंपनी प्रचार करा रही है, तो यही तो कम करवा रही थी अभी तक MLM कंपनियां, यही सब करवा रही थी ना, इसी तरह से पैसा दे रही थी और बाद में पता चलता लेके गायब हो गया। और अगर आपको नहीं विश्वास हो तो सोनू शर्मा का एक वीडियो आया था कुछ दिनों पहले, आप वो भी देखिएगा, जिसमें उसके पास कोई बंदा पहुंचा था, वो 10 लाख रुपया क्रिप्टो करेंसी वाले उस टाइप के कंपनी में झोंक दिया। और किस आधार पर झोंका 10 लाख? एक बार में नहीं झोंका, वो बेवकूफ नहीं था, पहली बार में कुछ पैसा लगाया उसका दुगुना हुआ, 10,000 लगाया 20,000 हुआ, 1 लाख लगाया 2 लाख हुआ, इस तरह से जब उसको विश्वास हो गया इसके बाद उसने अपना पैसा लगा दिया, हो गया कांड हो गया उसके साथ। तो ऐसे में अगर आप ये कहेंगे क्या STA टोकन जो है ये फ्रॉड कंपनी है, देखिए ये टोकन जो है ये लिस्टेड है, लिस्टेड का मतलब हो गया एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, डिफरेंट एक्सचेंज पे, जरूरी नहीं है सारे एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि इसका कोई रेगुलेटरी बॉडी तो है नहीं जो फिक्स कहेंगे यहां पे ट्रेड हो रहा है वहां पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन यहां पे जो आपको प्लान समझाया जा रहा है डिविडेंड के नाम पे, कभी थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा, ये कंपनी कौन सा ऐसा काम कर रही है जो आपको रेगुलर बेस पे इनकम देते जाएगा लाइफ टाइम। और इसके बाद एक और चीज बताया जाता है कि कुछ सालों पहले, 1 सालों पहले मतलब कि 3 रुपये का था ट्रेड हो रहा था या 2 रुपये पर ट्रेड हो रहा था, आज 60 रुपया प्लस मतलब $1 प्लस हो रहा है, 70 रुपया 80 रुपया पर ट्रेड हो रहा है, सपोज डेट कहा जाता है। अब ऐसे में आपको ये भी सोचना है कि अगर कल के डेट में इसका डिमांड जो घट जाएगा तो ये 0 भी हो सकता है ना, बहुत सारे का कांड हुआ है ना, बहुत सारे क्रिप्टो बैंकक्रप्ट होकर के गया कंपनियां, नहीं FTX का एग्जांपल है, सर्च कर लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहले ही बोल दिया मुझे गाली पड़ने वाली है जो लॉजिकली बता रहा हूँ, और जो लोग रियली में समझ पा रहे हैं या रिलेट कर पा रहे हैं तो वो लोग मेरा अप्रिसिएशन जरूर करेंगे, मुझे ये भी पता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जो कहते हैं कि ट्रेड हो रहा है इतना मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मेरा पैसा रखा हुआ है और डिविडेंड मुझे मिलेगा, तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, कंपेयर किया जाता है ट्रेडिंग जो इसका जो ग्रोथ हो रहा है ये किया जाता है कंपेयर किस चीज़ से, किया जाता है बिटकॉइन से, किया जाता है एथेरियम से। अभी कभी आप सोच के देखिए, जो खुद टोकन है जो अपने आप को कॉइन भी नहीं कह सकता है, ये कंपेयर कर रहा है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो नाम बिटकॉइन हो गया या कह सकते हैं इथेरियम बेस पे है, तो उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया यहाँ पे, ये गलत बात है या नहीं है, और उस रेशियो में कैसे ये ग्रोथ होगा, ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, कभी नहीं पॉसिबल है। अब कहेंगे क्यों नहीं पॉसिबल है, मैं बताता हूँ, हर चीज का डिमांड एंड सप्लाई होता है और टाइम पीरियड होता है, जरूरी नहीं कि एक बार एक क्रिप्टो का फेमस इतना हो गया, अगर ऐसा होना होता तो जिस रेशियो में बिटकॉइन का ग्रोथ हुआ था इसी रेशियो में इथेरियम का होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ ऐसा, नहीं ना हुआ, वो हुआ ग्रोथ हुआ लेकिन उस परसेंटेज में या उस अनुसार से इतना वैल्यू लेकर के तो नहीं चला गया, 2 लाख 3 लाख मतलब 2 लाख डाउन हो गया ठीक, और बिटकॉइन कहाँ चला गया देखिए कितना लाख ऊपर चला गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका ये जो लोग समझा रहे हैं, ऊपर वाले लोग आपको ज्वाइन करा रहे कह रहे हैं बिटकॉइन जो है इतना ग्रोथ किया तो कल के डेट में STA टोकन भी ग्रोथ करेगा, तो ये संभव नहीं है, संभव इसलिए नहीं है कि जरूरत की बात होती है, जरूरत STA टोकन का फिजिकल रियल लाइफ में यूजेज क्या है,
ठीक है डिसेंट्रलाइज है, यहाँ ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, इसका कोई एप्लीकेशन क्रिएट हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन कौन सा एप्लीकेशन, कौन क्रिएट करेगा, कितना वैल्यू देगा, क्यों इसका वैल्यू बढ़ाएगा। अपने देश में कहा जाता था क्रिप्टो करेंसी लोग यूज करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई, अपना एक क्रिप्टो लॉन्च कर दी, अब दूसरे क्रिप्टो की क्या जरूरत है। ये चीज मैं सालों से बोलते आ रहा हूँ, कि ये क्रिप्टो जो है ये एप्लीकेशन बेसिस है, जिस एप्लीकेशन को जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे यूजेज होगा और वो पॉपुलर होगा उस अनुसार से उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या उस क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू बढ़ने वाला है। अगर एसटीए टोकन एसटीए के बेस पे जो है अगर कोई एप्लीकेशन आता है जो दुनिया में पॉपुलर हो जाता है, मान लीजिए जो डेवलपर है कुछ बनाते हैं, तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एनएफटी का नाम सुने होइएगा, तो एनएफटी अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इथेरियम के बेस पर बना हुआ है और वो जो है पॉपुलर हो रहा है, तो ऐसे में इथेरियम का वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, लोग प्राइस मतलब ज्यादा लगाना शुरू कर देंगे, ज्यादा प्राइस कराएंगे, किसी के पास जो है सेल करने का चाहेगा तो वहां पे बेडिंग होना शुरू हो जाएगा, ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, उसका वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, सिंपल, इसके अलावा नहीं है। अब आप कहेंगे कंपनियां कहती या कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए मैं आपको डिविडेंड देता हूं, सिंपल सी बात है, कौन सी कंपनी, कौन सा कम्युनिटी, ये सब जो होता है पंप एंड डंप वाला कहानी हो गया। पंप एंड डंप समझते हैं, नहीं समझते, मैं बताता हूं। आज से कुछ सालों पहले, अरे कुछ सालों के पहले आपको डॉज कॉइन याद होगा, इलन मस्क का, है ना, इसके अलावा बहुत सारे और मीम कॉइन आया था ना, और वो सब कॉइन जो है उसमें क्या किया जाता था, पंप एंड डंप किया जाता था। पंप एंड डंप क्या होता है, वैल्यू रुका हुआ है, नहीं ग्रोथ हो रहा है, अब कुछ ऐसा कांड कर दे या कुछ ऐसा काम करे, अनइथिकल जो भी काम करना, उसमें अपना ही पैसा लगा लगा के उसको जबरदस्ती जो है सर्कुलेट कराते जा रहे हैं और वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। सिंपल, हर्षद मेहता वाला याद होगा कहानी, अगर आपने एसकेएम 1992 देखे होंगे तो आपको कहानी भी समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह से समझिए कि ये सर्कुलेशन के नाम पे जो आपको कहा जाता है कि इतना करोड़ जो है स्टैक रखा हुआ है, इसी को जो है सेल किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, कम्युनिटी बिल्डिंग किया जाता है, और चूंकि लोग इसको खरीद रहे हैं तो इसलिए इसका वैल्यू बढ़ रहा है। तो भाई वही बात हो गई ना कि हम पांच लोग हैं और पांचों लोग चाहते हैं प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट कैसे हो, हम पांच ही लोग मिल करके उसको वैल्यू बढ़ा रहे हैं। हम, मैंने रेट बढ़ाया, किसी का इसका कहा 5 रुपया, आप ही में से कोई कहा कि नहीं इसको 6 रुपया में देंगे, इसके बाद अगला कोई कहता है 7 रुपया में देंगे, सब एक दूसरे से लिए हुए हैं, खुद में वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो फिर कहाँ से आया, और लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि वैल्यू तो मेरा बढ़ रहा है ताकि कोई आए और खरीदे, और जैसे ही हाई रेट पे खरीदे तो हम लोग को प्रॉफिट हो जाए, यही ना पंप एंड डंप होता है। तो दोस्तों ऐसा है ना कि हैवी अमाउंट वाला इन्वेस्टर, जो लॉजिकली सोचने वाला इन्वेस्टर है ना, बहुत चीज आज के डेट में सोच रहा है, और जैसे जैसे समय बीतेगा आपको लग रहा होगा कि आपके कॉइन का वैल्यू बढ़ेगा, मे भी बढ़ सकता है, मैं ये नहीं कहूँ नहीं बढ़ेगा, लेकिन वैसे वैसे सारे इन्वेस्टर का नॉलेज भी इन्हेंस होगा, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा। एक समय था कि एनएफटी का, याद है एनएफटी का वैल्यू कितना बढ़ा था, एक ट्वीट का वैल्यू इतना है, और उस ट्वीट का कहानी क्या हुआ था, कभी नेट पे सर्च कर लीजिएगा ना, रद्दी के भाव में भी कोई नहीं खरीद रहा था, और एक समय ऐसा आ गया था कि लोग जो है, आज की डेट में कहाँ से आ रहा है, कुछ आ रहा है, कहीं से सुनने को कुछ मिल रहा है, नहीं ना, एक हाइप बना था ना, बना था, जिस समय सुनते थे हमेशा इलन मस्क जो है का है, कभी डॉज कॉइन के बारे में बोल रहा है, आजकल सिर्फ ट्विटर के बारे में ही ट्विटर पर बोल रहा है। तो ऐसे में मैं यही कहूंगा कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट जहां भी करिए, करिए, आपको एसटीए टोकन अच्छा लगता है करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ तथ्य रखा है, प्रूफ रखा है कि ऐसे ऐसे बात है, ना कोई रेगुलेटरी बॉडी है यहाँ पे, ना ही कोई फ्यूचर प्रूफ यहाँ पे जो है इसका प्रोजेक्ट है, ना ही कोई जो है रेगुलर जो है कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिससे इनकम आए और वो आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करे, क्योंकि MLM वाला कहानी जो होता है, जिसमें जो है पिरामिड स्कीम होता है, उसमें भी आपको रेगुलर इनकम की बात कहा जाता है और अकाउंट में पैसा भी आता है। मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब मेरे एक जान पहचान के लोग, वो मुझे रोज दिखाते थे, SMS दिखाते थे, देखिए मेरा पैन नंबर लिया है, मेरे मोबाइल पे पर डे 400 रुपया, वो अपने फैमिली में सबको जोड़ लिए, 400-500 कुछ रुपया आता था और क्रेडिट होता था, तो वो दिखाते थे और वो खुश हो जाते, तो मैं उनको बार बार बोलता था ये एक ट्रैप है, ये एक ट्रैप है, कभी भी कोई भी आपको पैसा दे ना, कोई भी पैसा दे और दावा करे कि मैं दूंगा, तो पहले उसके बिजनेस मॉडल को रियल में समझिए, और जो भी बिजनेस मॉडल दे ना, वो बिजनेस मॉडल अपने देश में, जिस देश में रह रहे हैं वहाँ लीगल है या अनलीगल है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। दावा कर सकता है, कभी उसका दूर का कोई प्लान तो नहीं हो, पूरे लोग को ठगने का प्लान तो नहीं हो, क्योंकि जो जो स्कैम हुआ है, जो जो स्कैम बड़ा बड़ा लेवल पे हुआ है, जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया कवरेज किया है, वो सब स्कैम में ना लाखों लोग फंसे हैं,
और वो लोग एक दिन में नहीं फंस गए जो सब कहेंगे यार मैं फंस गया, उनमें से बहुत सारे लोग पहले आते गए और उनको प्रॉफिट दिखाया गया और मौत एडवर्टाइजिंग के बेस पे जो है लोगों को इसमें जोड़ते गए और बाद में लोग फंसते चले गए। तो मेरा बस इतना ही काम है कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो भी काम करें, जो भी इन्वेस्टिंग करें, सोच समझ करें, थोड़ा सा रिसर्च करके करें और तुरंत लालच में नहीं फंसे, क्योंकि लालच के कारण ही यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है।